अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक ये शाम का वक्त है आज सुबह से मेरी काफ़ी मसरूफियत थी तो जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे काम मैंने आज निपटाए और इसकी वजह से जो है ना आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया बहरहाल ये अभी शाम का वक्त है और मैं अभी टेलर के पास से होकर आ रही हूँ क्योंकि वन वीक से कपड़े सारे जो है ना वो रेडी रखे हुए थे लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब मुझे ये कपड़े चाहिए भी जल्दी स्टिच होकर तो मैंने फिर खैर मैं टेलर के पास गई बीच में एक दिन मैं गई थी तो वो थे नहीं टेलर साहब तो फिर मुझे वो दोबारा वापस आना पड़ा और डबल चक्कर लग गया एनी वेज़ आज जो है ना दिन काफ़ी बिजी गुजरा आ, लेकिन शुक्र है कि जो भी मेरे काम पेंडिंग के थे वो सारे काम जो है ना हो गए लेकिन टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला और ये मगरब के बाद का टाइम है अभी मगरब की नमाज से फारिग वारग होके अब मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ तो चाय में काफ़ी अरसे से ना मैंने शुगर जो है मतलब छोड़ दी थी मैं नहीं पीती थी लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि कुछ अरसे ये गंदी आदत दोबारा लग गई है मुझे मीठी चाय ना बहुत ही अच्छी लगने लग गई है तो मैं यही सोच रही थी कि अब जो है ना मैं इसको स्विच करूँगी हनी पे या ब्राउन शुगर पे तो जी चाय की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी क्योंकि जब थके हुए हो ना तो चाय वैसे ही बहुत अच्छी लगती है और हनी से मुझे याद आया कि मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह ताला दुनिया से खाने पीने की चीज़ें मतलब दुनिया से ख़त्म होते जाएंगी तो जो सबसे पहली चीज़ होगी जो इस दुनिया से चली जाएगी खाने पीने की उस सेंस में तो वो हनी होगी शहद जो है ना अल्लाह ताला दुनिया से सबसे पहले उठा लेंगे एनी अब रेसिपी की तरफ आते हैं आज जो है मेरे बेटे की फरमाइश थी उसको बर्गर खाना है जिंगर बर्गर तो मैं वही बना रही हूँ बट जिंगर बर्गर में थोड़ा सा ये मतलब इसमें हमारा स्टाइल है क्योंकि जैसे हम लोग पसंद करते हैं इसमें कुछ चीज़ें वो हम मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और इसकी रेसिपी मैं चले आप लोगों से शेयर करती हूँ सबसे पहले ये ना थाई का बोनलेस है मैंने इसकी थाई की जो है बोन निकलवा दी है चेस्ट पीस का भी आप बना सकते हैं बट वो बहुत ड्राई हो जाता है तो बर्गर के लिए बेस्ट होता है थाई पीस इसकी आप बोन निकलवा लें मुर्गी वाली निकाल देते हैं और इसके जो है ना फ्ले को आपने सबसे पहले इसको आ, मतलब हैमर से इसको प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए और उसके बाद इसमें थोड़ा विनेगर और सॉल्ट डाल के आप 15 मिनट्स के लिए इसको आप रख दें पानी में तो इससे अब विनेगर डालने से ना ये काफ़ी टेंडर हो जाता है इसके बाद ये मैं क्योंकि मैंने कहा है कि ये हमारे थोड़ा अपना स्टाइल का है तो इसमें हमने अनियन रिंग्स में डालूंगी और इसके अलावा ये पोटेटो वेजेज़ हैं ये तो खैर एक्स्ट्रा इस पर एडिशनल मैं अलग से बना रही हूँ क्योंकि ये बर्गर का जो फ़िले है ये भी डीप फ्राई होगा तो मैं फ़्राइज़ इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि ये ज़रा डीप फ्राई ना हो बहुत ज़्यादा फिर फ्राई चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट डाल के और पानी डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी और अब हम इसके जो इसकी तैयारी की तरफ आते हैं फ़िले की इसके लिए सबसे पहले जो इसका एक ड्राई मिक्सचर बनेगा इसमें आपको कॉर्नफ्लावर और मैदा ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी में जाएगा जैसे ये मैंने वन थर्ड कप आप लिया है मैदा तो मैं वन थर्ड कप ही कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ अब आप इसके हिसाब से आपकी जितनी बन रहे हैं जितने लोग हैं आपके घर में उस हिसाब से आप बनाएं ये जो मैं बना रही हूँ ये चार बर्गर के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा वन थर्ड कप लिया है उसके बाद मैंने टू टेबल स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है नमक आप हसबे डालें क्योंकि चिकन पाउडर भी जो है वो सॉल्टी होता है और उसके बाद सिर्फ वन पिंच जो है ना इसमें डलेगा क्या हैं बेकिंग सोडा इसको इसको डाल के आप अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लें कि कहीं पे सोल्ट वगैरह इस तरीके से मतलब रहे नहीं कि आपकी वो खाने में कहीं पे ज्यादा या कम आ जाए तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा ये चिकन को मैंने पानी से निकाल के अलहदा कर लिया है और इसके बाद अब इसमें मैंने डाला है सिर्फ रेड चिली पाउडर क्योंकि जब ये फ़्राई होता है तो फिर अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आती है रेड चिली की और आपने उनमें केफसी के बर्गर वगैरह में या नॉर्मल अगर कहीं और के भी खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि चिकन के अंदर जो है वो एक रेड रेड सा पेपरिका या रेड चिली पाउडर का टेस्ट आ रहा होता है एनीवेज वेज़ यहाँ पर जो है मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा और ये जो है ना ये सबसे अच्छा ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है तो ये मैंने कुछ डिशेस के लिए अपने लिए एक्स्ट्रा मंगा के रखी हुई लोहे की कढ़ाई तो जैसे मैंने ऑयल डाल के लोहे की कढ़ाई को अगर आप चारों तरफ से ऑयल डाल देते हैं तो फिर वो नॉन स्टिक की तरह मतलब यूज़ कर सकते हैं आप तो उसमें मैंने वो कर दिया अब यहाँ पर देखें चिकन में एक तरफ जो है ना मैंने पहले पाउडर लगाया सही से जो मैंने बनाया हुआ था और उसको सही से लगाने के बाद फिर एक पानी में डिप करके निकाल के मैंने इसको दोबारा उसमें रगा दिया अच्छा सम टाइम मैं ना सिर्फ एक दफ़ा की ही कोटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी कोटिंग ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसमें डबल कोटिंग की है आ, वैसे बाहर जो मिलते हैं वो तो डबल कोटिंग की ही मिलते हैं कि वो उनको और बड़ा बड़ा दिखाना होता है तो ये देखें ये इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी या तैयार हो गए और जो मैदा जो बैटर हमारा बचा था ना अगर आपका नहीं बचे तो आप दोबारा बना लें मेरे पास तो थोड़ा बचा हुआ था तो उसी में आप थोड़ा सा जो है ना पानी डाल के एक थिक सब उसको लिक्विड बना लें और अनियन रिंग को उसी में डिप करके फ़्राई कर लें तो वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी क्रिस्पी रिंग्स बन जाती हैं तो अगर आपकी नहीं बचे तो फिर सेम वही रेसिपी जो पाउडर आपने बर्गर वो चिकन के लिए बनाया था आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो उस तरह बन जाएगा अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ बर्गर में भी किसी को मस्टर्ड पेस्ट पसंद है किसी को नहीं पसंद है किसी को हेलपिनो पसंद है किसी को नहीं है तो उस हिसाब से मैं बना रही थी तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा हेलपिनो पसंद है और मस्टर्ड पेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहले ये वाले तैयार कर रही थी तो इसमें बस ये टोटली आपके ऊपर है कि आप लोगों को जो जो पसंद है आप इसमें ऐड करते हैं जाएं ये जो इसके साथ खीरे के साथ रखी हुई है ये चीज़ स्टिक्स हैं तो मैं इसमें चीज़ स्लाइस नहीं डाल रही हूँ मैं चीज़ स्टिक्स डालूंगी तो बस यही है कि ये चीज़ सिक्स का ये होता है कि ये कहीं कहीं पे बहुत सॉलिड चीज़ का टेस्ट आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट अगर आप चीज़ स्लाइस खाते हैं तो फिर आपको हर स्लाइस में जो है ना वो चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है तो इस टोटली अप टू यू कि आप लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ें पसंद है इसको इस तरीके से इसम्बल करें और ये बहुत ही मज़े का बना था हालाँकि हम बाहर बहुत ज़्यादा हम लोग भी खाते हैं पसंद करते हैं बाहर का खाना लेकिन घर पर भी बनाओ तो काफ़ी अच्छा रहता है एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मैंने इस रेसिपी इसी मेथड से जो है ना विंग्स फ्राई किए थे वो भी बहुत ही बहुत अच्छे बल्कि ज़्यादा क्रिस्पी बने थे क्योंकि वो स्किन के साथ थे तो चिकन रोस्ट वगैरह भी अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है स्किन के साथ आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए आपको वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़